और कैबिनेट मंत्री महिपाल राणा की हरियाणा न्यूज से खास बातचीत भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डड़ा साहब, आज चयन हो गया स्पीकर डिप्टी स्पीकर का, कयास लगाए जा रहे थे जिस प्रकार से तमाम चीजें थी उन्हीं नामों को लेकर मंथन किया गया आज भी। ये हरियाणा में तीसरी बार दोनों लोग चुन के आए हैं, आदरणीय अरविंदर जी भी, आदरणीय कृष्ण बिड्डा जी भी, ये हीरा मोती हैं दोनों, एक से बढ़ के एक। दोनों में जो काम करने की शैली है, दोनों का जो सोचना है, दोनों की जो निष्ठा रही है, दोनों के जो अनुभव हैं, और अब से पहले दो बार दो हमारे जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर रहे उनके काम करने की शैली को भी देखा है, अपने जीवन में उतारा है। और मुझे लगता है कि अगर पहले कोई कमी नहीं रही है किसी भी तरह की, फिर भी अगर कहीं कोई उनको लगता है कि ये चीज़ नई और करने को मिलेगी, तो वो बहुत अनुभवी है, उन्होंने सीखा होगा, और कोई कमी रही होगी उसको भी पूरा करके और अच्छे से निराले तरीके से हरियाणा की विधानसभा चले बिना पक्षपात के, बिना तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी। बिना नेता विपक्ष आज कांग्रेस आई है सदन में, कैसे देखते हैं इस? देखिए, कांग्रेस के पास ना नेता ना नेतृत्व है, बस चुटकुले सुना के तंज कस के अखबार में सुर्खियों में रह के ये इतने से खुशी अनुभव करने वाले लोग रह गए। इनको जनता जनार्दन से कोई लेना देना नहीं, इनको बस अपनी पड़ी रहती है कि भाई मैं विपक्ष का नेता बन जाऊं, मैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊं, यहाँ तक है इनको जनता जनार्दन से कोई लेना देना नहीं है। और ये मुझे नहीं लगता कि भाई ये कोई अपने नेता का चयन भी कर पाएंगे। और एक ऐसा विपक्ष जो मुद्दाहीन हो, जिस विपक्ष के पास सोचने के लिए ताकत ना हो, जिस विपक्ष के पास नेता का चयन करने तक की भी शक्ति ना हो, शक्ति मतलब इंदर सिंह से जिनको नेता चुनने का भी जिनके पास मतलब समझ ही ना हो, ऐसे लोग किस तरह का विपक्ष लेके आएंगे? और कमजोर विपक्ष सदा नुकसान देता है। हम लोग पिछले 10 साल से देख रहे थे कि मुद्दाहीन विपक्ष हम लोगों को मिला, कमजोर विपक्ष मिला। अगर विपक्ष मजबूत हो तो पक्ष अगर कहीं भी थोड़ी सी भी चूक करता है तो उसके प्रति हमें सजग करता है, उसका विरोध करता है, उसका सुझाव देता है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कभी भी विपक्ष ने एक भी सुझाव नहीं दिया कि देखो भाई ये कोई गलत काम हो गया, ऐड आप लोग ठीक करो। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना होता है, अखबारों में छपने के लिए विरोध करना होता है, बाहर आके मैं दिख गया चमक गया, मैं कांग्रेस का नेता हूँ, बस इतने तक इन लोगों ने काम किया, जनता जनता के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मामा भांजा की भी एक मुद्दा इन विपक्ष, मामा भांजा की भी खट्टी मीठी एक नोकझोंक देखने को मिली। मामा भांजे की नोकझोंक तो चलती रहा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। डांडा साहब थे और इन्होंने बताया कि एक विपक्ष जो है कहीं ना कहीं मुद्दाहीन है, और बढ़िया विपक्ष जो है पिछले 10 साल से वो लगातार तलाश कर रहे थे कि विपक्ष के नेता आए और उन वो नेता कहीं ना कहीं मुद्दों की बात करें, मुद्दों पर चर्चा करें। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालरमन।